महाराष्ट्र के सांगली जिले के चक्र भैरवनाथ मंदिर में अक्सर रात को कोई नहीं जाता, वो सुनसान रहता है। लेकिन जैसे ही अंधेरा छटता है, सुबह वहां पे कुछ मजदूर पहुंचते हैं, उनको मरम्मत का काम करते हैं। लेकिन वहां का मंजर देखकर वो सकते में आ गए, क्योंकि मंजर बेहद खौफनाक था। वहां एक अधेड़ उम्र के शख्स की लाश पड़ी हुई थी, पूरी तरह खून में सनी हुई, और पास में पड़ा हुआ था तंत्र मंत्र और झाड़ फूक का वो साजो सामान जो चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कल रात यहाँ पर कुछ भयानक हुआ है, कुछ खौफनाक हुआ है। अंधविश्वास और अंधभक्ति ने एक शख्स की जान ले ली है। तंत्र मंत्र साधना और अंधविश्वास, अंधविश्वास का खौफनाक खूनी खेल, तंत्र मंत्र की आड़ में अधेड़ शख्स की नरबली, सुनसान मंदिर में खेला गया मौत का नंगा नाच। फर्श पर फैला खून उस वारदात की गवाही दे रहा है जिसमें यहाँ कुछ देर पहले एक अच्छे खासे शख्स की मौत हो गई। अब वो मौत है या फिर उसकी हत्या कर दी गई, इस बात की पुष्टि कर पाना अभी मुश्किल है। लेकिन लाश के पास रख के तंत्र मंत्र के साजो सामान इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ तंत्र मंत्र और अंधभक्ति की आड़ में एक युवक की हत्या कर दी गई। आज सुबह शिराला पुलिस स्टेशन के जंक्शन में सिरसी गांव के अंदर जो चक्र भैरवनाथ का मंदिर है, वहाँ पे तकरीबन उम्र 45 से 50 साल के आसपास एक पुरुष जाति के एक शव हमें प्राप्त हुआ है। वहाँ पे तस्वीरें इतनी विभत्स है जिसे हम पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। जुर्म की यह खौफनाक तस्वीर महाराष्ट्र के सांगली जिले के शिरसी सिवरवाड़ी रोड पर करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चक्र भैरवनाथ नाम के एक मंदिर की, जहां बीते शनिवार की सुबह करीब 9 बजे मजदूर मंदिर में काम करने के लिए आए, तभी मंदिर के गर्भ में मजदूरों ने एक शख्स की लाश पड़ी देखी। लाश से खून निकल रहा था। इस खौफनाक मंजर को देखकर मजदूरों के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिससे डरकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें ऊपर 7:30 दिन में नलू था मंदिर जाने से आते दर्शन घूम मत गेलो तो लगे समय ते दिसल्या मुळे हमें लगे परत लो मागे झाले एवढं खाली गेलो तुम्ही चक्रभाई। देखते ही देखते हत्या की खबर आसपास के इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसने भी सुना उसने अपना रुख इस मंदिर की तरफ कर लिया। बताया जा रहा है कि ये परिसर काफी दिनों से सुनसान रहता है और पिछले कुछ महीनों से इस मंदिर में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन रात के वक्त मंदिर में कोई नहीं रहता, जिससे एक बात तो साफ है कि अपराधी ने वारदात को रात के अंधेरे में ही अंजाम दिया होगा। चक्री भैरव देवस्थानामध्ये एक अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह सापडून आलेला आहे। तो मृतदेह नरबळीचा असावा असे प्रथमदर्शनी दिसल्यानंतर ते लक्षात येते। त्याच्या डोक्यामध्ये आणि डोळ्यावरती वार करण्यात आलेले असेही चित्र दिसून येते। त्याच्या आजूबाजूला पडलेल्या सुया बिब्बा त्याचबरोबर त्या लिंबूमध्ये टाचण्या खोचलेल्या आहेत। त्याची एक सुटकेस आहे, त्या सुटकेसमध्ये इतर साहित्य आहे, म्हणजे तो काल रात्री या ठिकाणी आला असावा असं ह्या लोकांच्याकडून किंवा आम्हाला एक इतर असं वाटतं की तो काल रात्री आला असावा। परंतु दरम्यानच्या काळात या मंदिराच्या गाभाऱ्याचं काम करण्याचं बांधकाम करण्याचं काम चालू आहे। इथं बांधकाम करण्यासाठी कर्मचारी आहेत, ते काल रात्री या ठिकाणी 5:30 घरी गेलेले आहेत आणि आज सकाळी 7:30 इथं आल्यानंतर कामाला सुरुवात करायच्या अगोदर देवाचं दर्शन घ्यावं म्हणून ते त्या ठिकाणी गेले मंदिरात। तर त्यांना बरोबर काळभैरीच्या मूर्तीच्या समोरच्या बाजूलाच तो मृतदेह दिसून आला। बरोबर तो जो पडलाय तो मूर्तीच्या समोरच्याच बाजूला असल्यामुळे आम्हालाही शंका वाटते की तो नरबळीच असावा। लाश के पास से नीम, हल्दी, कुमकुम, पिन और पूजा की सामग्री बरामद की गई है। साथ ही वहां से एक थैली भी मिली है जिसमें पूजा का सामान था। शाम के बाद मंदिर में कोई भी नहीं आता, इस बात का फायदा उठाकर हमलावरों ने नरबलि के उद्देश्य से हत्या की।
मरने वाले की भी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसा पता चलता है उसमें कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने कारण से वहाँ पे उस व्यक्ति को किसी वस्तु से या फिर किसी वेपन से मारा है और उसके मुताबिक उसकी मौत हुई है। तो ये अज्ञात व्यक्ति का पता लगाने के हेतु हमको शेराला तथा सांगली जिला तथा आसपास के जो भी इलाके हैं वो इलाके के नागरिक पुलिस को सहकार्य करे। वो जो भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी अगर रखता होगा तो तत्काल पुलिस स्टेशन शेराला से संपर्क करे और पुलिस को सहकार्य करे। गांव में ये चर्चा काफी जोरों पर है कि शुक्रवार के दोपहर 3:30 बजे से करीब अमावस्या शुरू हो गई थी और शनिवार की शाम 5 बजे के करीब अमावस्या समाप्त हो गई। इस वजह से अंधश्रद्धा के चलते चक्र भैरवनाथ मंदिर में यह बलि दी गई होगी। इस वारदात से मंदिर में आने वाले भक्तों में डर का माहौल देखा जा सकता है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है लेकिन इस वारदात में मौके से मिले तंत्र मंत्र के साजो सामान इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि भले ही हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हों मगर अंधविश्वास अभी भी हमारे जीवन का हिस्सा बना हुआ है। क्राइम डायरी के लिए सांगली से अशोक जाधव की रिपोर्ट। क्राइम डायरी में आज के लिए बस इतना ही।